अरे कानन जी त्रिमंत्र बुलाए, गंगाधर जी आप फॉलो करिएगा जी। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो हरिहंतानम, नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पाव पणासनो, सव पाव पणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गंगाधरन जी ओपनिंग बॉल आपको ही डालना है। अम्मा ब्लेस कर दीजिए। पहली क्वेश्चन, हाउ टू बी मोर इन आत्म ज्ञान एंड लेस इन व्यवहार। ओ मोर इन आत्म ज्ञान लेस इन व्यवहार। But you know one simple thing, relative and real both are parallel. Yes. So if you can observe relative as relative, then you can remain in real. But if you try to push relative, then it's not possible that you can remain in real. So whatever the circumstances of vyavahar are there, accept it. So when you will accept it, you will not try to change it. And then it will be easy for you to remain in real or Shuddhatma path. तो ऐसे आमतौर पर लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी व्यवहार में से निकल जाने का है, व्यवहार में जाने का नहीं है। मगर जहां तक ये मन वचन काया है तो व्यवहार रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। और आप मन वचन काया है, मन वचन काया के साथ है कि आप शुद्धात्मा की धरती पे है? मन वचन काया के साथ है ना। तो मन वचन काया के साथ रहने का है, मगर बैठते अपनी शुद्धात्मा की सीट पे। और दूसरी बात क्या है कि व्यवहार है ना, व्यवहार वो गेय है। गेय मीन जानने का। तो व्यवहार है और व्यवहार गेय स्वरूप है, तो आप ज्ञाता रहेंगे, तो आप शुद्धात्मा रहेंगे। तो पूरे व्यवहार को उठा उठा के बाजू में कर दिया तो फिर अकेला रियल कैसे रहेगा? वो तो सिर्फ सिद्ध में होता है। तो जो भी व्यवहार सामने आता है उनका निपटा, इससे दादा ने चौथी आज्ञा दी, फाइल का संभव से निपटारा करो, सेटल द फाइल्स विद इक्वेनिमिटी। तो वो क्या है कि व्यवहार को धक्का नहीं मारते, उनको पुश नहीं करते। जो भी व्यवहार सामने आता है हम उनके ज्ञाता रहते हैं। तो एक ज्ञाता दृष्टा रहे तो क्या हुआ, वो व्यवहार का निकाल होता जाएगा। वो ऐसे करते करते सारा व्यवहार का वो व्यवस्थित के संजोग के हिसाब से व्यवहार सामने आएगा और निकाल भी होता जाएगा।
देखो आपका के साथ आपका व्यवहार था नाइजीरिया का, फिर वहां से इंडिया में आना पड़ा ना। बराबर। तो इंडिया में अभी वहां भी आप क्या कर रहे हैं? मतलब ठीक है जॉब करते हैं, पर के जॉब का भी व्यवहार है, घर का भी व्यवहार है, व्यवहार तो सामने आएगा ना। बराबर। तो व्यवहार आएगा मगर हम ज्ञाता दस्ता रहे तो व्यवहार का निकाल हो गया। और लोग क्या सोचते हैं कि जॉब का भी व्यवहार नहीं होना चाहिए, घर का भी व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो हम इतने डेवलप होके नहीं आए हैं कि व्यवहार नहीं है तो निश्चय में रह पाए। बराबर। समझ में? दादा भगवान को व्यवहार तो था कि नहीं था? अपने जैसा इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि वो सब क्लियर करके आए थे, फिर भी मन वचन का व्यवहार नहीं था। तो व्यवहार का निकाल करते थे कि नहीं करते थे? उनको जब सोने का टाइम होता सो जाते थे, भोजन का टाइम हुआ तो भोजन करते थे। ऐसे हमें भी ऐसा व्यवहार नहीं आता है मन वचन का। फर्क कितना है कि दादा भोजन करते थे मगर निश्चय की जागृति इतनी संपूर्ण थी कि ये भोजन जो कर रहे हैं, खुद भोजन करने वाले खुद आहारी नहीं हो जाते थे। तो एम पटेल का ये जो भोजन करने का व्यवहार है वो सामने आता था, उनका निपटारा होता था। तो इस तरह से है व्यवहार को बाजू में नहीं रखने का। ये सब व्यवहार सामने आएगा तो हमें उनको देखने का, उनको जानने का स्कोप मिलेगा। जयवन क्लियर? हाँ उतरे जाओ नहीं तो फिर आगे। अभी गुजराती आ गया ना थोड़ा थोड़ा? आउज, आउज है। आता रहता है। फर्स्ट हिंदी शुड कम प्रॉपरली। नहीं कोई कोई बात नहीं, प्रॉपरली नहीं आता तो भी चलता है। चलती का नाम गाड़ी। गाड़ी। पूछो आगे। आप सब है इसलिए। थैंक यू गंगाधरन जी। मोर क्वेश्चंस? बी वेरी गुड। That's it? Okay, think. Jai Sachidanand, Lucky Bhai, Jaipur. Jai Sachidanand. Oh, Manu Saven, Jai Sachidanand. Oh, aapki awaaz nahi. Aap unmute karo. Haan, okay. Haan, bolo. Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। वो बोल रहे थे आपकी शुद्धात्मा पद में रहने से सुख का अनुभव होता है। हाँ, तो सुख का अनुभव किसको होता है? अच्छा अच्छा, ये कैसी बात है कि शुद्धात्मा पद में रहने से सुख का अनुभव होता है? ये जो बात बताई ने तो आपका भी तो अच्छा है कि तो दुख का अनुभव किसको होता है? तो हम जो शुद्धात्मा है वो हमारा खुद का स्वभाव, इनहेरेंट नेचर, वो परमानेंट ब्लिस इज अवर इनहेरेंट नेचर। अपना खुद का वो स्वभाव है, जैसे बर्फ का स्वभाव है ठंडा, ऐसा आत्मा का स्वभाव है आनंद परमानंद। और ये जो सुख दुख का जो अनुभव होता है वो मनीषा बहन को होता है। पर मनीषा तो झगड़ रहे हैं। मगर ये कौन से सुख दुख के व्यवहार में जो माना हुआ सुख और माना हुआ दुख, समझ रहे? माना हुआ, मानो कि आपकी पसंद का खाना आ गया, आपको भूख लगी, आपकी पसंद का खाना मिल गया तो आपको सुख लगेगा ना? तो वो तो मनीषा को लगेगा ना। हाँ वो मनीषा को लगेगा। नहीं पर वो जो परमानेंट सुख है वो किसको लगेगा? वो आत्मा का, आत्मा आत्मा खुद ही एंजॉय करेगा। आत्मा का तो स्वभाव सिर्फ लाइट देना है, आत्मा कैनॉट। हाँ हाँ, नहीं लाइट ज्ञान प्रकाश जो ज्ञान है ना, तो क्या बोलते हैं कि
आत्मा का एक गुण नहीं है, वो ज्ञाता भी है, दृष्टा भी है, परमानंद भी है, जो बोलते अनंत ज्ञान वाला, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत दर्शन वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो हम समझते, हम क्या समझते, सिर्फ लाइट देने का काम है, ऐसा नहीं। ये मनीषा जी जो काम करते हैं, तो आत्मा का दरअसल लाइट, ज्ञान प्रकाश, वो जो अभी निकाली अहंकार रहा, तो ये अहंकार के मीडियम थ्रू जो बाहर आता है बुद्धि होके, तो वो बुद्धि से भी आप अपना व्यवहार चलाते हैं। और महात्मा जो आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है कि बुद्धि अपने लेवल में काम करती है, बुद्धि का वो चलन नहीं रहता है, कि बुद्धि के हिसाब से वो खुद नहीं चलता है। एक जो ज्ञान की जागृति है, तुमको उनको समझ में है कि कैसा होना चाहिए, वो जागृति रहती है। फिर व्यवस्थित उदय में जो भी आया उसके हिसाब से आया तो बहुत अच्छी बात है, उसके हिसाब से उदय में नहीं भी आया, ये आपको पक्का है कि नहीं कि मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरी कला से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, वो तो पक्का है, बराबर है। फिर भी कभी ऐसा हो जाता है, किसी को दुख हो जाता है, तो ये हो गया वो क्या है, वो व्यवस्थित क्या दिन है। मगर होने के बाद आप जो जागृत हो जाते हैं, अरे भाई ये क्या हुआ, इनको दुख हो गया, आपने उसको हर्ट कर दिया, ऐसा व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। तो ये जो हो गया उसके पक्ष में हम नहीं रहते। और इससे क्या होता है कि हम ये रिलेटिव और रियल, मनीषा जी और खुद शुद्ध आत्मा, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो आप शुद्ध आत्मा की गादी पे रहते, उसकी सीट पे बैठे रहते, और शुद्ध आत्मा की सीट पर रहे तो शुद्ध आत्मा का जो स्वभाव है वो खुला होता जाता है। तो मनीषा जी के साथ जाके बैठ गए, तो फिर मनीषा का स्वभाव है, उसकी इफेक्ट होती है। तो मनीषा के साथ और शुद्धात्मा का साथ कौन बैठता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो निश्चय से हुआ, बराबर। तो मैं शुद्धात्मा हूँ और ये मनीषा वो व्यवहार से है, व्यवहार से मीन्स रिलेटिव, बाय रिलेटिव, तो व्यवहार से है। अभी आपको अभी जागृति हुई, आपका ये वो जो इगोइज्म, जो भ्रांति सब फ्रैक्चर कर दी, तो आपको भान हुआ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, बराबर, ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। और फिर क्या हुआ कि एक बार जो रियलाइज हुआ, मीन्स उनका जो टेस्ट चखा, तो बाद में आपको पक्की श्रद्धा बैठ गई कि नहीं, मैं शुद्ध आत्मा ही हूं, श्रद्धा बैठ गई कि मैं शुद्धात्मा हूं। तो सही में है शुद्धात्मा, मगर अभी क्या है कि अभी पक्की श्रद्धा बैठ गई। तो दादा भगवान ने क्या बताया कि आप शुद्धात्मा हो गए, अभी प्रज्ञा जागृत हो गई, तो प्रज्ञा आपको हर पल हर समय जागृत रखेगी। तो मनीषा जी कुछ गलती करेंगे तो प्रज्ञा बताएगी, अरे ऐसा क्यों करते हैं, आपको मोक्ष में जाना है, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो ऐसे वो जागृत करते रहते, वो प्रज्ञा का भाग है। शुद्धात्मा कुछ अंदर इंटरफियर नहीं होते, पर प्रज्ञा, तो ये जो है ना, ये अभी हमारी इंटरिम गवर्नमेंट, हम शुद्धात्मा हो गए पक्का है, और पक्की श्रद्धा भी बैठ गई है कि नहीं मैं शुद्धात्मा ही हूं, मगर अभी इंटरिम गवर्नमेंट है। कहां तक, तो कि भरा हुआ माल, वो भरा हुआ कचरा पिछले जन्मों का, वो अभी ज्यादा है ना, वो जैसे जैसे खत्म होता जाएगा तो भरा हुआ ये वो जो आवरण है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे,
इतना शुद्धात्मा का प्रकाश ज्यादा ज्यादा खुला होता जाएगा। और ऐसे करते करते जब दूसरे जन्म में हम केवल ज्ञान तक पहुंचेंगे 360 डिग्री ज्ञान तक, तो बाद में वो प्रज्ञा वो आत्मा के साथ एक हो जाती है। तो ये अभी जो है वो प्रज्ञा के लेवल पे। तो ये प्रज्ञा और भावो सेम है? अच्छा, प्रज्ञा और भावो सेम है। अच्छा, भावो वो अलग बात है। भावो मीन्स बिलीफ वाला पार्ट, मान्यता वाला। तो पहले क्या मान्यता थी कि मैं मनीषा हूँ, मैं मनीषा हूँ। तो उनको क्या बताया कि बाबा है मैं कैसा तो ज्ञानी बाबा। फिर आपको क्या बान हुआ कि नहीं भाई शुद्ध आत्मा हूँ। तो मनीषा है मगर भाई शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये आपके बिलीफ मान्यता पूरी चेंज हो गई ना। अभी बाबो किसको किसको बाबा बोलते, बाबो बोलते हैं कि पहले ज्ञान हुआ उसके पहले आपको क्या था कि मैं खा रही हूँ, मैं घूम रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ। तो करते थे मनीषा जी व्यवस्थित के अधीन, मगर मान्यता क्या थी मैं कर रही हूँ। तो ये मान्यता वाला पार्ट उनको बावो ऐसा दादा भगवान ने बताया। मान्यता मीन्स बिलीफ, बिलीफ। तो बिलीफ वाला जो पार्ट है, तो पहले बिलीफ थी कि मैं मनीषा जी हूँ, अभी वो बिलीफ फ्रैक्चर हो गई और अभी क्या बैठ गया कि नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो राइट बिलीफ बैठ गई। तो पहले अज्ञानी भाव तो भाव था, अज्ञानी भाव हो तो अभी ज्ञानी बावा हो गया। मगर अभी इंटरिम स्टेट में है। और फिर जब केवल ज्ञान होता है तो पूर्ण रूप से आत्मा प्रकट हो जाता है। फिर वो प्रज्ञा अलग नहीं रहती है। तो बावो इस शुद्ध अहंकार है, अशुद्ध अहंकार ऐसे भी बोल सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिलीफ बिलीफ सिर्फ मान्यता वाला पार्ट। तो बिलीफ बिलीफ और अहंकार में क्या फर्क है? बहुत फर्क होता जाता है। एक्चुअली बिलीफ अहंकार अज्ञानता ऐसा सब कनेक्टेड है। हाँ, कनेक्टेड है। सब कनेक्टेड है। तो कैसे कनेक्टेड है? तो कि एक ये मान्यता पहले आया कि मैं मनीषा जी हूँ। हाँ, तो बिलीफ हुई, बिलीफ हुआ। अभी वो बिलीफ हुई वो कैसे बिलीफ है? रॉन्ग बिलीफ। रॉन्ग तो रॉन्ग बिलीफ का मतलब वो अज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अज्ञान, यस। और जहाँ अज्ञान है वहाँ इगोइज्म है। ओके। और जहाँ इगोइज्म है वहाँ नए कर्म बनते रहते हैं। ओके। तो अज्ञानता है वहां तक इगोइज्म है। ओके। और इगोइज्म है वहां तक नए कर्म बनते रहते हैं। ये शुभ और अशुभ अहंकार दोनों अहंकार अज्ञानता वाले पार्ट में आते हैं। अच्छा। अहंकार वाले पार्ट में आते हैं। ओके। और मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा पक्का हो गया तो अहंकार दोनों निकल गए। अच्छा। मगर फिर भी इंटरिम दशा है। हाँ। इसलिए फिर ज्ञानी बाबा ऐसा शब्द का प्रयोग। दादा भगवान ने जो बताया ना इतनी क्लैरिटी के साथ और इतनी एग्जैक्टनेस के साथ बताया है कि किसी को कंफ्यूजन नहीं हुए। मगर क्या है साथ में दादा ने बहुत सिंपल वे में ही दे दिया था। फिर लोग बहुत प्रश्न करते हैं कि दादा ये क्या ये क्या ये क्या, तो फिर दादा बात करते रहते ऐसे ऐसे। दादा भगवान ने इतना ही बताया था कि अभी आप शुद्धात्मा हो गए और ये मनीषा जी रहे। पहले आप खुद मनीषा जी थे तो सब कुछ आप खुद ही करते थे, तो मगर अभी आपको बार हुआ कि नहीं ये तो है मैं शुद्धात्मा हूँ और ये मनीषा जी व्यवहार से है तो निश्चय से मैं शुद्धात्मा हूँ। तो अभी आप मनीषा जी रहे नहीं तो आपका कौन चला, मनीषा जी का सब सारा व्यवहार का कौन चला लेगा?
पहले खुद चलाते थे, अभी मनीषा जी रहे नहीं, अभी शुद्धात्मा हो गए। तो शुद्धात्मा तो संपूर्ण करता है, वो करता है ही नहीं, वो तो क्या था दोस्ता है। तो फिर ये मनीषा जी का सारा व्यवहार मोक्ष जाने तक कौन चला लेगा, तो बताए व्यवस्थित शक्ति चला लेगा। सिंपल हो गया, व्यवस्थित शक्ति चला लेगा। तो मनीषा जी का चला लेगी तो बाकी का कौन चलाएगा, जो अहंकार लिए उनका, तो उनका भी व्यवस्थित शक्ति चलाती, बस सिर्फ अहंकार करे थे मैंने। तो ये सबका ये व्यवस्थित शक्ति चलाता। और फिर क्या बताया आगे कि अभी आप तो शुद्धात्मा हो गए, मगर पिछले जन्म कितने जन्मों से सबके साथ व्यवहार करते करते आए, सबके साथ राग द्वेष करके सब गूंज बना दी, तो वो सब खोलना पड़ेगा ना। तो क्या बताया कि ये सब कौन है, ये सब फाइल है। और आप शुद्धात्मा जब मनीषा जी भी फाइल फाइल है, तो उनको बोला फाइल नंबर वन और बाकी की टू थ्री फोर फाइव सब फाइल। तो अभी करने का क्या, फाइल है वो तो समझ गए, तो अभी फाइल का क्या करने का, संभव से निपटारा करने का। तो ये जो जागृति रही पूरा दिन, मुझे अभी फाइल का संभव से निपटारा करना है। और कुछ भी हुआ अंदर बुद्धि खड़ी होती है, तो बुद्धि से बात हो जाती है प्रज्ञा के लिए उससे। तो आप बोलते ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, तो व्यवस्थित है कि व्यवस्थित के बाहर है, तो तुरंत वो बंद हो जाता है कि ज्ञान प्रकाश के सामने बुद्धि का कुछ चलता नहीं। और फिर आगे क्या बताया, पांचवी आज्ञा शुद्धात्मा का अकाउंट कि आपको एक रूपा से प्राप्ति हुई है, इसलिए ये छोटा सा सीट हो दिया और दो लिप से खुला वो हो गया, स्प्राउट हो गया, मगर उनको नर्चरिंग तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी बताया कि पांचवी आज्ञा कि आप ये त्रि मंत्र नमस्कार चरण कीर्तन भक्ति वो सब रोज करना, फिर स्पेयर टाइम है, फ्री टाइम है, तो पहले फ्री टाइम एकदम टाइम बिगाड़ते थे, ऐसा व्यवहार में ऐसे ही चला जाता, पता भी नहीं रहता। तो क्या बताया कि अभी ये टाइम का उपयोग करना, ऐसा फ्री टाइम है तो पद पद गाना, अक्रम पढ़ना, आपवाणी पढ़ना, क्योंकि इस तरह। फिर बताया कि रात को सोने से पहले ध्यान करके सो जाना, मैं शुद्धात्मा हूँ बोलते बोलते सो जाना, और दादा भगवान का फेस है उनका निर्देशन करके मैं शुद्धात्मा हूँ बोलते बोलते सो जाने का। इतना सिंपल बता दें कि इससे क्या होता है कि आप जो शुद्धात्मा हुए, वो आपको जो प्राप्ति हुई वो मजबूत होता जाता है, क्योंकि उनको नर्चरिंग मिल गया। तो इतना सिंपल बता दिया कि इतना करो सब आ गया। फिर आगे क्या करने का, फिर ऐसे क्रस्ट फिर आगे इतना बताया कि आगे क्या करने का, तो गुस्सा उठ करने का नहीं, आपको परिचय में रहने का। दादा मैंने क्या बताया कि आप परिचय में रहे, तो जब भी आपको स्कोप है तो सत्संग आ जाए, जब भी स्कोप है तो सत्संग आ जाए, तो परिचय में रहेंगे तो आपका वो चार्जिंग होता रहेगा। तो देखो नहीं कोरोना का हुआ, सत्संग बंद हो गया, तो कुदरत ने भी सामने कितना अच्छा ऑल्टरनेटिव दे दिया, फिर आप ऑनलाइन सत्संग में आ जाओ। तो जैसे घर पे आके सत्संग करते हैं, तो इससे भी अच्छा स्कोप मिल जाता है। हम घर पे आएंगे तो आपको कितना लोड आएगा, घर में तो रहने का है, खाना बनाने का है, महात्माओं के लिए प्रसाद करने का है, ये करने का है, वो करने का है, ये तो कोई लोड ही नहीं। आपको तीन बजे बैठना है सत्संग, पौने तीन बजे चाय पी के सीधा बैठ जाओ, और लेट हो गया तो कोई पूछने वाला भी नहीं कि लेट क्यों आए। तो कोरोना में फायदा कितना बड़ा हो गया, तो परिचय में रहने के। तो दादा जिसका ये बताया परिचय में रहे, तो आपको महात्माओं के आपके पुत्र के परिचय में रहने, जब भी संजोग है तो कॉन्टेक्ट में रहने। क्लियर? ये सच दादा पूछो अभी आगे। हाँ
जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी आगे किसी का प्रश्न है? अरे है ना, लेकिन आपने मनीषा बहन को पूछा, मैं सोच रहा था कि अगर और कुछ पूछे तो उनका लाभ ले। आपका आवाज, आपकी आवाज नहीं आती? अरे मेरी आवाज कैसे नहीं आती है? मनीषा बहन ने सुना? हाँ, उनको प्रश्न नहीं है, फिर सोच के रखो, आगे चलते हैं। ओके, आरव सूर्या जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ धीमे धीमे बोलना। हाँ नहीं, एक मिनट मुझे आवाज नहीं आती। हाँ एक मिनट, एक मिनट। मैंने अनम्यूट करना है, હેલો ભરત આનંદજી। હા હવે આવ્યો, હવે આવ્યો। क्या है? और यू आर नॉट यूजिंग एनी ब्लूटूथ एनी इक्विपमेंट इन बिटवीन? नो नो, फाइन, ओके, आगे बढ़े। हाँ आरव जी पूछिए। स्वामी जी, जो आत्मा का स्वरूप होता है वो अनंत सुख वाला होता है और मोक्ष के अंदर भी अनंत सुख होता है, तो आत्मा के लिए तो यहाँ पे और मोक्ष में कुछ डिफरेंस ही नहीं है। आप फिर से धीरे से बोलो ना। स्वामी जी, जो आत्मा का स्वरूप है वो अनंत सुख वाला है, मोक्ष में भी अनंत सुख है, तो आत्मा के लिए यहाँ पे और मोक्ष में क्या अंतर है? ओ, आत्मा को यहाँ और मोक्ष में कोई अंतर नहीं है। आत्मा यहाँ भी आत्मा है पूर्ण रूप से, और मोक्ष में सिद्ध में भी पूर्ण रूप से ही आत्मा है, कोई फर्क नहीं है। फर्क कैसा है? आत्मा में फर्क नहीं है, मगर जहां तक सिद्ध नहीं हुआ है वहां तक बॉडी के साथ है, तो बॉडी के साथ है इसलिए उनका जो सुख है स्वभाव है वो खुला नहीं हुआ है। तो जहां तक केवल ज्ञान नहीं होता है वहां तक वो सब आवरण रहते हैं, और केवल ज्ञान हो गया बाद में सिद्ध गति में आत्मा है और केवल ज्ञानी है, कोई फर्क नहीं होता है। तो केवल ज्ञानी के सारे कर्म का वो निपटारा हो जाता है, सिर्फ चार अघाती कर्म बच जाते हैं। जी स्वामी, सारे घाती कर्म का निपटारा हो जाता है जी। तो ऐसे कोई फर्क नहीं जी। आगे पूछो। स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न था कि मैंने दादा भगवान की एक बुक में पढ़ा था कि भावना से सुधरे जन्मो जन्म, तो सब तो यही भावना करते कि मैं अमीर से अमीर बनूं, ऐसा बनूं ऐसा बनूं, लेकिन सब वैसे क्यों नहीं बन पाते हैं? हाँ, तो क्या बताया कि ये जो गाते बोलते हैं ने भावे भावना भावे, ये जो बोलते हैं गुजराती में ऐसा बोलते हैं भावे भावना भावीए, मीन्स भाव से भावना कीजिए। हाँ, भाव से भावना कीजिए जी। तो ये कैसी बात है? ये जो बात बताई ने मोक्ष के लिए भावना करने की बात की है, तो आपकी भावना मोक्ष के लिए है केवल ज्ञान के लिए है, तो कुदरत आपको मोक्ष के लिए जो पॉजिटिव संजोग चाहिए, जो हेल्पिंग संजोग चाहिए आपको मिला देगी। आपकी भावना अमीर होने की है तो कुदरत आपको अमीर होने के संजोग इकट्ठा करके देगी, मगर उधर कहां से करके देगी? क्योंकि उनके पास जो आपका स्टॉक आपका कुछ ऐसा पड़ा है तो देगी नहीं,
तो आपका ऐसा पुण्य का स्टॉक है तो वो स्टॉक का उपयोग अमीर होने में फिर हो जाता है। और ये दादा भगवान मिले, सभी महात्माओं की भावना क्या रहती है कि हमें अभी संसार की कोई विनाशी चीज चाहिए नहीं, उनको शुद्धात्मा की जागृति रहती, इतना आनंद रहता है कि बाहर के सुखों की इच्छा धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाती है। तो क्या हुआ, उनको सिर्फ मोक्ष की भावना होती है, मोक्ष की इच्छा होती है, भीतर आनंद इतना रहता है कि उनको लगता है कि अब ये सब पे क्या में? तो ऐसा फिजूल में टाइम क्या बिगाड़ने का, ऐसा हो जाता है। तुमका एक ही निश्चय रहता है कि अभी मोक्ष में जाना है। और आप अमीर बनने की भावना करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आज आप थोड़ा दिन भावना मुझे अमीर होना है, फिर दूसरा को देखेंगे तो अभी ये होना है, फिर तीसरा देखेंगे अभी ये होना है, तो सब आपको उद्धव कैसे देगी, व्यवस्थित कैसे दे पाएगी। मगर ये दादा भगवान मिले, दादा भगवान का, भगवान के जो ज्ञान दृष्टि की प्राप्ति हुई, तो सिर्फ मोक्ष की भावना हो सकती है कि बस अभी मुझे और कुछ चाहिए नहीं, अभी मोक्ष पे ही जाना है, अभी मुझे ये जो मैं शुद्धात्मा बान हुआ उनकी मुझे पूरा होती करनी है क्या मैं। और अमीर होने की भावना करने से अमीर होते ऐसा नहीं है, साथ में पुण्य होनी चाहिए। कोई अज्ञानी जीव है तो उनको होगा कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं राजा हो जाऊं, बस साथ में ऐसे पुण्य है तो फिर वो संजोग मिल जाते जी साहब। और हम लोग जो है, हम सब महात्मा है, तो हमें दादा भगवान के ज्ञान दृष्टि की प्राप्ति हुई है, और बाद में हमारी भावना रहती है बस अभी तो पूर्ण होती कर दी, तो फिर व्यवस्थित शक्ति सारे संजोग मिला देती है। क्लियर, बराबर है जी स्वामी जी, समझ में आ गया जी। आगे पूछो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे पूछने बोला वो जय सच्चिदानंद बोलते हैं। क्या आरोप। और खुल्लर साहब कुछ बोलिए, केवल हंसने से काम नहीं बनेगा। रुकिए रुकिए, अनम्यूट करता हूँ, आप बोलिए। जय सच्चिदानंद भरतानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सब हम हर रोज जो विधियां करते हैं और समंदर स्वामी की भजना करते हैं, तो कई बार ऐसा मन में प्रश्न आता है कि इसकी सही तरीका क्या है, इनको भजने का क्या, इनके दशा के ऊपर देखने का है क्या, इनके अतिशय देखने का है क्या, देखना है आप कैसे करते हैं। मैंने आई थिंक पहले भी बताया था, शायद वो गुजराती सत्संग में था। देखो, मैंने देखा है कि आप बहुत टाइम से ऐसे रेगुलर विधि कर लेते, नाइजीरिया से करते थे, बस सुबह में कर लेते। तो दादा भगवान की बात कितनी थी कि आपको जो पांच आज्ञा दी, तो पांचवी आज्ञा में आपको बताया कि भाई आपको ये त्रिमंत्र नमस्कार दी, नव कलम निश्चय आचार दी, वो सब करने का है। करने का तो बताया कि करने का है, एक्चुअली करने का है नहीं, आज्ञा है। इट इज नॉट समथिंग टू डू, इट इज आज्ञा। आज्ञा, और वो भी आज्ञा किसकी है, तो कैसे ज्ञानी पुरुष की। तो शास्त्र में क्या बताया है कि तीर्थंकर भगवान है या केवली भगवान है, तो ऐसे महापुरुषों के, ऐसे उत्तम पुरुष, उनकी आज्ञा मिल जाए तो आज्ञा में रहना वही धर्म है और वही तप है। आज्ञा वही धर्म है और आज्ञा वही तप है। तो आपको ये दादा भगवान की आज्ञा मिल गई,
और आप सुबह में पढ़ लेते हैं, बराबर, तो आपका काम पूरा हो गया, आप आज्ञा में आ गए। अभी क्या है कि हम सुनते हैं कि ऐसा कैसे पढ़ने का, तो कि उपयोग पूर्वक पढ़ने का, नमस्कार करते तो ऐसा भाव आना चाहिए, सिमंदर स्वामी दिखाई देने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो सब बातें है, वो सारी बातें आपका चित्त उस समय एकाग्र होके वही रहे उसके लिए बताइए। बराबर, आप एक ऐसे बोलते हैं प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी में साक्षी भगवान ने महाविदेक सेतमा विचरता तीर्थंकर भगवान, तो एक एक शब्द पढ़ेंगे तो आपका चित्त उधर ही रहेगा। वह अल्टीमेटली बताना क्या चाहते हैं, पढ़ने का नहीं है, पढ़ने का तो एक साधन बताया, तो मेन कहना क्या चाहते हैं कि उनको नमस्कार करते हैं तो उस समय चित्त की प्रेजेंस में नमस्कार होना चाहिए, तो उपयोग के साथ हो गया, तो इतना हो गया तो आपका काम हो गया। फिर कोई बोलेगा कि नहीं मुझे भाई पढ़ नहीं सकता हूं, फिर क्या बोलेंगे, नमस्कार करते हो ध्यान में रखने का, अरे तो तीर्थंकर भगवान है, वर्तमान तीर्थंकर है, उनके थ्रू मोक्ष में जाने का है, वो तो कैसे, उनके कितने कितने सारे अतिशय है, वो केवल ज्ञानी भगवान है, हमें वो दशा पाने की है, तो उनको फिर बोलते समय इनका चित्त इस तरह से जो स्कैटर्ड है वो इकट्ठा होने लगता है, तो शब्द नहीं पकड़ने का है, उनके पीछे आशय क्या है कि आपका एक चित्त रहे, उपयोग रहे और आप पढ़ते रहे। पर फर्स्ट स्टेप क्या है कि आज्ञा है मुझे पढ़ने का है, और लक्ष्य में है कि मुझे चित्त की हाजिरी में पढ़ने का है, तो ये जो समझ में आ गया तो कभी चित्त चला गया बाहर तो तुरंत दिखाई देगा, और चित्त बाहर गया और दिखाई दिया, वो चित्त की हाजिरी हुई कि नहीं हुई, हो गई, बहुत सिंपल है, बस सिंपल को हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। नहीं, इतना तो हो रहा है कि हम देख के एक एक वर्ड देख के पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इसका मैं जरा और आगे समझना चाहता था कि कैसे उनके उनको जो है जब हम आरती करते हैं, जब ये जो है ना आप एक एक शब्द देख के पढ़ के एक एक शब्द को देख कर पढ़ रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है कि इतने टाइम से कर रहे हैं, तो इतनी आपकी चित्त की स्थिरता उस समय रहती है। अभी क्या है कि हमें सिमंद स्वामी की पहचान तो हुई है कि तीर्थंकर भगवान है, केवल ज्ञानी, वो तीर्थंकर भगवान और दूसरे केवली भगवान में क्या फर्क है, कि दूसरे केवली भगवान है तो तीर्थंकर भगवान के मिलने के बाद उनको केवल ज्ञान खुला होता है, और ये तीर्थंकर भगवान कैसे होते हैं कि विदाउट हेल्प ऑफ एनी पर्सन, विदाउट गाइडेंस ऑफ एनी पर्सन, ही हैज कॉन्क्वर्ड ऑल हिज इनर एनिमीज एंड अनवेल्ड दिस केवल ज्ञान। ऐसे पुरुष है, किसी के मदद के बिना, अगर वो ऐसे पुरुष को मैं नमस्कार करता हूं, तो ऐसे एक मदद के बारे में थोड़ा थोड़ा जो समझते है जानते है, तो इससे फिर वो ज्यादा वो उल्लास आता है नमस्कार करते समय। मगर मेरा कहने का मतलब क्या था कि कोई नए नए आए है, कोई दूसरा कुछ पता नहीं है, फिर भी दादा की आज्ञा है और पढ़ लेते ही रहे तो भी उनको बहुत बड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि आज्ञा में आ गया, और जहां आप आज्ञा में है वहां अहंकार नहीं है, आज्ञा में है तो निकाली अहंकार भी डिजोल्व होता जाए। अभी अभी तो क्या है कि अहंकार नहीं रहा, अभी आपको भान हुआ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पहले था कि मैं कुलभूषण हूँ, अभी हो गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अहंकार रहा नहीं, निकाली अहंकार रहा, मगर आज्ञा में रहने से वो निकाली अहंकार भी डिजोल्व होने लगता है,
तो इसके लिए आ गया। तो दादाजी क्या बताते थे, हम क्या आज्ञा देते उसका महत्व नहीं, हमने क्या आज्ञा दी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मगर हमने आपको आज्ञा की और आपने जो भी आज्ञा की, आपने आज्ञा पकड़ ली तो आपका काम हो जाएगा। तो दादा ऐसा बोलते थे, बताओ पछी बताओ के हमें आज्ञा करी हो અને તમે ખીટી ખીટી બોલો, ખીટી 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 તોય તમારો મોક્ષ થઈ જાય, ખીટી મીન્સ નેલ નેલ, તો મેને આજ્ઞા કી આપ નેલ નેલ બોલના, તો અભી નેલ હૈ કોઈ ભગવાન કા નામ નહીં, કુછ હેલ્પિંગ નહીં હૈ, મગર ફિર ભી કામ હો જાયેગા, ક્યું ક્યું તો કે આપ જ્ઞાની પુરુષ કી આજ્ઞા મેં આ ગયે, દાદા ભગવાન કી આજ્ઞા મેં આ ગયે, પૂર્ણ દશા વાલે પુરુષ કી આજ્ઞા મેં આ ગયે, स्पष्ट अनुभव की दशा वाले पुरुष की आज्ञा में आ गए, तो आज्ञा का आज्ञा की वैल्यू है। और आगे क्या बताया है दादा भगवान ने कि आज्ञा देने वाले तो बहुत होते हैं, आज्ञा की वैल्यू नहीं है, आज्ञा देने वाले की दशा, आज्ञा देने वाला गैजेटेड होना चाहिए, ऐसा बताते हैं। वो गवर्नमेंट में नहीं गैजेटेड ऑफिसर आते हैं, तो ऐसा कुछ ट्यू कॉपी करनी है तो स्टैम्प लगा के ट्यू कॉपी करके देते थे, उनका है स्टैम्प तो चलता है कि ट्यू कॉपी। ऐसे दादा क्या बताते थे कि आज्ञा देने वाला गैजेटेड होना चाहिए, ऐसे उनकी खुद की दशा होनी चाहिए, स्टेट ऑफ बीइंग, और उनकी आज्ञा मिल गई और उनकी आज्ञा में आप रहे तो आपका काम हो जाएगा। वहां तक बताया था कि आपकी प्रकृति में दूसरा कुछ नहीं है, तो क्या है सबकी प्रकृति अलग अलग होती है ना, किसी की प्रकृति में भक्ति होती है, किसी की प्रकृति में वो पढ़ने का होता है, किसी की इसमें डिस्कशन का होता है, किसको अंदर बहुत चलता है कि ये क्या ये कैसे है, तो सबकी प्रकृति अलग अलग है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे एक ज्ञान में ये पता नहीं ये पता नहीं ये पता नहीं, तो दादा माने क्या बता दे, आप पांच आज्ञा में रहेंगे तो ये सब आपको अपने आप दिखाई देगा। अभी इससे आगे क्या जाएगा, समझ में पूरा, दादा माने सही में सारी मेहनत निकाल दी, सिंपल कर दिया। हम लोग भी आपके आप लोगों के साथ सत्संग करते हैं तो पहले आप लोगों को ऐसा होता था भी कितना तैयार हुए क्या हुए, ये अपने राव साहब ही नहीं पूछ रहे थे, राव साहब फर्स्ट टाइम मिले तो ऐसा एक डेढ़ घंटा बात हुई, दादा राम के वहां आए थे तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, मुझे अभी याद नहीं कौन से प्रश्न पूछे थे, तो ऐसा सब क्रॉस करते ना, ये डिरेक्शन में से ये डिरेक्शन ये डिरेक्शन पूछते थे, एक डेढ़ घंटा तक पूछा। फिर उन्होंने मुझे पूछा आपने कौन कि आपने इतने सारे प्रश्न सभी प्रश्नों के उत्तर दिए तो आपने इतना सारा अभ्यास कब किया, उनको क्या हम लोग यंग थे उस समय तो right. इतनी छोटी एज पे इतना सारा अभ्यास कब कर लिया। तो फिर मैंने उनको बताया कि सही में हम लोगों ने कुछ अभ्यास नहीं किया है, हमें तो सिर्फ ये दादा भगवान मिल गए और उनके पास से दृष्टि प्राप्त हुई तो आप पूछते तो उनकी कृपा से हम बताते रहते आपको, तो तुरंत वो खड़े हो गए और वेदांत में से कोई श्लोक था वो बताया कि वेदांत में एक जगह पे ऐसा बताया है कि आपको ऐसी दृष्टि मिल जाए तो आपको कुछ पढ़ने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये दादा वो जो बताया सिर्फ आप तो पुत्रों के लिए बताया कि सबके लिए बताया है, प्रिंसिपल सिद्धांतिक बात है ना, तो सबको अप्लाई हो जाती है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पांच आज्ञा, फिर जो टाइम बचा हमारा दूसरा जो व्यवहार में से जो भी टाइम बचता है तो हमारी प्रकृति के हिसाब से उपयोग कर लेने का, किसी को कीर्तन भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है,
किसी को पढ़ने का अच्छा लगता है, किसी को बात करने का अच्छा लगता है, मगर दादा ने ऐसा बैलेंस करके दिया है कि पांच आज्ञा में और व्यवहार के भाग से बोले ना तो भक्ति भी आ जाती है, अभ्यास भी आ जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है। वन साइडेड नहीं किया है, प्रकृति को नेचर प्रकृति को सहज होना होना पड़ेगा। तो ऐसे वो नेचर नेचुरल होने के लिए क्या हो ऐसा चारों ओर से दे दिया कि ऑटोमेटिक वो आपकी प्रकृति नेचुरल हो जाए, आपको आपकी प्रकृति वो जो पकड़ है वो सब धीरे धीरे अपने आप निकल जाए। पहले आप जॉब करते थे तो आपका कितना पकड़ रहता था, कुछ भी काम करने का है तो आपको है ना ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर अंडर सबोर्डिनेट को हम बोल भी दे मैंने आपको ऐसा करने का है, मैंने बोला ना ऐसा करने का। तो पहले ऐसा था और अभी क्या है कि अभी आपको लगेगा कि सही ऐसा है ऐसा होना चाहिए, फिर भी सामने वाला पकड़ के रखेगा कि नहीं ऐसा नहीं आपको हमें ऐसा करना है, तो कैसा रहता है जरा भाई व्यवस्थित बात तो नहीं है। तो ऐसा इतना करते हैं तो अंदर भीतर कितने मुक्त हो जाते हैं। ये जो अपना जो विज्ञान है ना अप्लाइड साइंस है इस तरह से कि अपने अंदर भीतर से सब जो पकड़ है कैचे वो सब दे दिए अपने आप निकल जाते हैं, और हमें पता भी है कि सामने वाला सही नहीं है फिर भी उनकी बात का हम प्रेम से स्वीकार कर सकते हैं तो अंदर कितना आनंद रहता है। तो उनको समझाने के लिए जाते हैं कन्विंस करने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं तो अपना आनंद चला जाता है। दादाजी इस तरह से मुक्त रहते थे, बहुत मुक्त रहते थे। एक बार हम लोग पहले शुरू में जो दादा भवन सब आप लोग तैयार करते थे तो मैं सत्संग के लिए शिविर के लिए हम छोटे छोटे गांव में जाते थे, उस समय दादा भवन कोई नाम भी नहीं जानते थे, तो हम जाके सत्संग करके आते थे, फिर दादाजी प्रश्न भी करते भाई कि किसने सत्संग किया, क्या क्या प्रश्न है, क्या उत्तर दिया, और उसमें कुछ दादा को सूचन करने का तो कर भी देते थे। तो दादा ने एक बार पूछा मुझे कि तू सत्संग कर रहा है और सामने जो व्यक्ति है आपने उत्तर दिया मैं उनको समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे। तो मैंने बताया भाई कैसे भी करके उनको समझाऊंगा। तो दादा ने क्या बताया कि आपकी जब मैं हूं तो मैं क्या करूं, मैं समझ जाऊं कि उनके कल्याण का मैं निमित्त नहीं हूं तो उनको दूसरा निमित्त मिल जाएगा, तो अंदर से वो पकड़ टूट जाती है। चलो आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न है। चलिए जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मैं ज्ञात पुत्र हूँ, आप मेरे ज्ञात पिता हैं। ये दादा भगवान से है कि सिमंदर स्वामी से, किस प्रकार से है? दादा भगवान से। बराबर। तो दादा भगवान से अपना जो चरण लिपि है ना कि मैं ज्ञात पुत्र हूँ आप मेरे ज्ञात पिता है। जी स्वामी जी, आप ज्ञान देने वाले हैं इसलिए मतलब ज्ञात पिता कैसे हैं? हाँ, ज्ञात पिता कैसे है कि हमें ये सब हमें एक ज्ञात कैसे हुआ, जानने को कैसे मिला, मैं आत्मा हूं ये आपको जानने को ये आपको ज्ञात कैसे हुआ, अपने आप हुआ? नहीं, अब ये दादा भगवान की। तो जिनके थ्रू ये प्राप्ति हुई तो ये सब तो ज्ञात पिता, इसे दादा भगवान के लिए क्या बोलते कि आप मेरे ज्ञात पुत्र हूं और आप मेरे ज्ञात पिता है।
जी स्वामी जी बराबर। दादा भगवान से बोलते कि आप मेरे ज्ञात पिता हैं, आपने जो ज्ञान दिया है आप देने वाले हैं, इसलिए आप मेरे ज्ञात पिता हैं। नहीं, मुझे आत्मा वैसा ऐसा मुझे एक ज्ञात किसने किया? हाँ दादा भगवान ने बताया। आपने किया? हाँ आपने किया, तो आप मेरे ज्ञात पिता है और मैं आपका ज्ञात पुत्र हूँ। जी स्वामी। अच्छा, और एक ये मैं लघु स्वभाव वाला हूँ और लघु गुरु स्वभाव में क्या फर्क? ए गुरु लघु स्वभाव। हाँ, वाक्य क्या है कि मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। क्रोध मान माया लोग लघु गुरु स्वभाव के ही हैं। हाँ, क्रोध मान माया लोग है वो लघु गुरु स्वभाव के है, तो मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो लघु गुरु लघु लघु गुरु का मतलब क्या है? ये जो क्रोधमान मालव होते हैं वो कैसे होते हैं? जब क्रोध आता है तो बढ़ जाता है, गुरु हो जाता है, और फिर दो मिनट के बाद वो फैक्ट्री शांत हो जाता है, तो बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, ऐसा होता है नहीं होता है? जी स्वामी जी, मान का है, लोभ का है, इसे क्रोधमान मालव कैसे है, वो सब ये सब जो है ना गुण सब वो लघु गुरु है। और आत्मा के जो गुण है, जो ज्ञान है, दर्शन है, आनंद है, तो वो सब कैसे है? बड़े कम हुए, बड़े कम हुए, ऐसा नहीं है। इसमें क्या बताएगा? अगुरु लघु। जी स्वामी, क्योंकि उनका ये उनका खुद का स्वभाव है, तो जैसे परमानंद है उनका स्वभाव ही है, तो उनको कायम के लिए परमानंद रहता ही है, वो कम ज्यादा नहीं होता है। हाँ, ऊपर ज्यादा कम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, वो हमेशा के लिए एक जैसा ही रहता है। हमेशा के लिए एक गुरु लघु स्वभाव हमेशा एक जैसा रहता है। हाँ, एक जैसा रहता है। और लघु गुरु ये क्रोध मान माया लोग जो घटते बढ़ते रहते हैं। हाँ, वो सब अपना ये जो मन वचन काया है। जी स्वामी जी, ये पुद्गल वाला पार्ट है, उसके जो भी क्वालिटी है सारी क्वालिटी लघु गुरु है कि नहीं है? हाँ, ये लघु गुरु है जो कम ज्यादा होता है। प्यास लगेगी और पानी पिएंगे तो क्या होगा? प्यास आपके जो प्यास है वो तृप्ति हो जाएगी, आपको जी प्यास बुझ जाएगी। जी स्वामी जी, तो पहले प्यास लगी और फिर प्यास चली गई। जी स्वामी, भूख लगी और फिर भूख चली गई, खाया तो। जी स्वामी, गुस्सा आया तो अंदर प्रेशर बढ़ गया, गुस्सा आया फिर शांत हो गए। जी स्वामी, ये सब गुरु लघु है, तो आत्मा के सारे गुण है अगुरु लघु है। जी स्वामी जी, अगुरु बराबर। तो ये लघु गुरु है वो पुद्गल शरीर के गुण है, और ए गुरु है वो शुद्ध आत्मा का गुण है। जी स्वामी बराबर है। लघु गुरु शब्द का चेंज क्या है? लघु गुरु और गुरु लघु, मगर आगे और लगाया मीन्स अगुरु लघु अथवा और अलघु गुरु, दोनों एक ही है ना मीनिंग? तो जी स्वामी, मगर दादा के मुंह से जो निकला वो सही। जी अगुरु लघु, ए गुरु लघु सब लघु गुरु। जी स्वामी बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जब हम पढ़ते हैं ना रोज, जब कीर्तन भक्ति में सब ऐसे बैठते हैं, तो जब ये पढ़ते हैं सर्वस्त अमारो अर्पण छे, इतना अच्छा लगता है ना मन में कि भगवान के लिए बहुत श्रद्धा ना होती है। पर उसमें जो एक ये लाइन जब वो गाते हैं ना, वो सेकंड लाइन मेरे को समझ नहीं आती, क्योंकि समझ से गाते हैं तो अच्छा लगता है। जब वो बोलते ना, मन वचन काया छाया माया ना बावो नो द्रव्य करम स्वीकारो भ्रांति बालकनी
अनन्य शरण हो बवरन मा, ये जो सेकंड लाइन मेरे को समझ नहीं आती क्या है, तो आप जरा समझाएंगे क्या है? मन वचन काया, हाँ जी, मन वाणी और काया, तो मन वचन काया छाया माया ना बावनो द्रव्य करम। तो ये भीतर जो भाव उठते हैं, अच्छा, तो भीतर जो भाव उठते हैं ना, वो भाव अज्ञानता के हैं। आपको भीतर जो भाव उठते, मतलब ये ज्ञान, ये दृष्टि मिलने से पहले संसार में जो सब लोग हैं, तो भीतर में जो भी भाव उठते हैं, तो वो अज्ञानता के भाव है ना? हाँ जी, अज्ञानता के भाव है। हाँ जी, क्या बोलते हैं कि मन वचन काया छाया माया ना भाव नो द्रव्य, माया ना काया छाया माया ना भाव नो द्रव्य करम, स्वीकारो भ्रांति बालक नी अनन्य शरण दियो भवरण मा। तो ये सिंपल बात है कि ये मेरा मन, ये मेरी वाणी, ये मेरे काया, ये मेरा, ये माया, ये सारी, ये मन वचन काया की सारी माया, और ये जो सारे कर्म है, भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, वो सारी भ्रांति, वो सारा अज्ञान मैं आपको समर्पण करता हूँ। तो बोलते हैं कि स्वीकारो भ्रांति बालक की, कि मैं बालक हूँ, ये मेरी भ्रांति है, आप ये भ्रांति का स्वीकार कर लो, और आपके श्री चरणों में मुझे अनन्य शरण दे लो। भवरण माँ का क्या मतलब? अनन्य शरण जो भवरण माँ, भवरण भव मीन्स ये हम जो संजीवन मन के चक्कर में संसार में जो भटकते रहते हैं, अच्छा। तो रण मीन्स डेजर्ट, रण का मतलब होता है डेजर्ट। तो ये रण में हम, रण में क्या होता है, रण में कोई ऐसा खो गया तो फिर उनको पानी भी नहीं मिलेगा, इतनी धूप लगेगी। तो ऐसे हम संसार के रण में भटके हुए हैं, उसमें हम जल रहे हैं, तो अभी हमें ये बौरण में से हमें आप शरण दे दो। हाँ, अच्छा, हम लोग गुजराती, हमें लगता है ये तो सिंपल है, बराबर है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, थैंक यू। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कुछ समय है, हम एक और प्रश्न ले सकते हैं, किसी को है तो जरूर पूछिएगा। वन शॉर्ट क्वेश्चन, मैं एक और लाइन पूछ सकती हूँ? हाँ, 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 जो जो लास्ट है ना, अकर्मणी अठ दिठ केडी थी, वो क्योंकि गुजराती, अकर्मणी अनदिठ केडी थी, जे मोक्ष द्वार उखारे छे, वो मेरे को समझ है। परमात्मा स्वरूप है प्रगट पुरुष, आप जो बारा मारा शुद्ध आत्मा, वो समझ में, लास्ट लाइन भी समझ आया, अठ दिथ केडी थी वो नहीं समझ आया। अच्छा, अनडिड, अनडिड क्या, कि पहले मैंने कभी नहीं देखी थी, देखा पहले मैंने ये रास्ता कभी देखा नहीं था। अच्छा, डिड मीन देखा था, और अनडिड मीन मैंने पहले कभी भी तो देखा नहीं था, दिस इज अननोन ट्रेल फॉर मी। हाँ जी, अच्छा, ये अक्रम मार्ग जो दादा के निमित्त से खुला हुआ, तो ये अक्रम का रास्ता पहले मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो आप कैसे पुरुष है कि अक्रम के मार्ग से, ये नए रास्ते से आप मोक्ष के द्वार खोलते हैं? जी, तो बोलते हैं कि परमात्मा स्वरूप ही प्रगट पुरुष, आप ही मेरे शुद्धात्मा है। हाँ जी, हाँ, मैंने पहले कभी देखा नहीं था ऐसा, मैंने देखा नहीं था ऐसा।
फिर अननोन ट्रेड, जो रास्ता आपने देखा ही नहीं था, पहली बार जा रहे हैं, तो उनको बोलते हैं ना अननोन पाथ से मेरा मोक्ष मार्ग जिसने खुला कर दिया, ऐसे है परमात्मा स्वरूप, आप प्रगट पुरुष है और आप ही मेरे शुद्ध आत्मा है। ये तो जब प्रार्थना जब करते हैं तो इतना भाव आता है, आंखों से आंसू आते हैं भगवान की जब गाते हैं तो। सही बात है, क्योंकि ये जो प्रार्थना है, ये जो पद हो है में, ये पद की रचना की नहीं गई है। हाँ, वो दादा भगवान की कृपा से कविराज के निमित्त से कुदरती हो गया है, और जब हो रहा था तब कविराज खुद अपने शुद्धात्मा की दशा में रहते थे, तो ये पद की रचना जो हुई तो शुक्ल ध्यान की श्रेणी में हुई है। मीन्स जब वो पद की रचना हो रही थी तभी वो अपने शुद्धात्मा पद में स्थिर थे, और आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है क्रमिक मार्ग में। क्रमिक मार्ग में जो शुद्धात्मा पद में स्थिर हुए उनको ऐसे संजोग ही नहीं आते कि उनके उनके हाथ से कुछ लिखाई दे, मगर ये अक्रम है तो ऐसा हो गया कि ये पद की रचना भी हो गई दादा भगवान की कृपा से, और रचना हो गई और रचना करने वाला खुद करने वाला रहा नहीं, तो इसलिए ये बोलते शुक्ल ध्यान मीन्स उत्कृष्ट जो ज्ञान की दशा है, ये जो चार प्रकार के ध्यान उसमें जो उत्कृष्ट ध्यान है शुक्ल ध्यान, मीन्स मैं शुद्धात्मा हूँ वही, दूसरा कुछ नहीं है, तो ऐसे जागृति है और साथ में ये लिखाई दिया, तो इसलिए ये इतना इफेक्टिव है कि कोई भी आदमी पढ़े कोई भी आदमी सुने उनको तुरंत भीतर इफेक्ट होने लगे। हाँ, आश्चर्य है, ये काल का बहुत बड़ा आश्चर्य है कविराज का होना और कविराज के निमित्त से इतने पद लिखाई देना, बहुत। चलो टाइम हो गया, और कुछ पूछना है? नहीं नहीं, जय सच्चिदान, बहुत अच्छे। तृप्ता बहन लाइन पर रहना, भरत आनंद जी त्रिमंत्र बुलाएं, तृप्ता बहन आप फॉलो करिएगा प्लीज। हाँ जी, नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सव साहुनम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव पाव पनासनो, सव पाव पनासनो, मंगलानम च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, पद्मम हवै मंगलम, पद्मम हवै मंगलम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय।